नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। अधिवक्ता संघ ने गाजियाबाद की घटना पर राज्यपाल को दिया विज्ञापन। बार एसोसिएशन ने गाजियाबाद के जिला जज के खिलाफ रोड पर वकीलों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। घायल वकीलों को मुआवजा दे सरकार। गाजियाबाद के जिला जज के खिलाफ कार्रवाई न होने पर जारी रहेगी हड़ताल। बांदा में सैकड़ों वकीलों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन। बांदा में वकील आक्रोशित, न्याय कार्य से विरत। का ज्ञापन था जनपद गाजियाबाद में, वहां के जिला जज अनिल कुमार पंत द्वारा सुनवाई के लिए मांग कर रहे, अपने हक की और न्याय दिलाने के मांग कर रहे अधिवक्ता बंधुओं के ऊपर न्याय से विरत करते हुए अपमानित किया। कहा मैं नहीं सुनूंगा। उन्होंने कहा ट्रांसफर करिए फाइल, लेकर सुनवाई करिए अग्रिम जमानत की। उसने कहा मैं तानाशाह हूँ, नहीं सुनूंगा, और कोर्ट फाइल उठाकर हाथा फाइल पर उतारते हुए कंटेम्प्ट करने लगे और पुलिस बल को बुलाकर निर्मम लाठी चार्ज कराया है। आज पूरे देश का अधिवक्ता आंदोलनरत है। ऐसे भ्रष्ट और दुर्दांत भ्रष्टाचारी कदाचारी जब तक जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार कैंथ बर्खास्त नहीं हो जाता, तब तक अधिवक्ता समाज पूरे देश का सड़क पर होगा, न्याय की लड़ाई लड़ेगा। अगर हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो आम जनमानस को न्याय नहीं दिला सकते। कोर्ट के परिसर के अंदर पुलिस का प्रवेश कराना, आरपीएफ का प्रवेश कराना इतिहास की पहली घटना है। इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आर पार की लड़ाई होगी। ऐसे भ्रष्ट निकम्मे अनिल कुमार कैंथ को तुरंत बर्खास्तगी की जानी चाहिए। अगर देश सरकार से मांग कर रहे हैं योगी जी से कि अगर आप अधिवक्ताओं के प्रदेश में ही तैसी हैं तो अविलंब दोषी एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस कर्मियों को जो न्यायालय के कक्ष के अंदर और न्यायालय परिसर में जाकर हमारे अधिवक्ताओं को लुहलुहान किया है, अंग भंग किया है, उनको तुरंत बर्खास्त करें, अधिवक्ताओं को धनराशि दें और मुआवजा दें। ऐसे निकम्मे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करा के दंडित कराएं, संविधान और कानून की रक्षा करें। अन्यथा अधिवक्ता अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, जेलें भर देंगे।